हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में रखा गया है, 51A में रखा गया है। तो पार्ट 4A में रखा गया है, जिसमें ए का मतलब है अमेंडमेंट। पहले भारतीय संविधान में पार्ट 4A नहीं था, इसको अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऐसे ही इसको आर्टिकल 51A में रखा गया है, ए का मतलब है अमेंडमेंट। पार्ट 51A पहले भारतीय संविधान में नहीं था, इसको अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं आर्टिकल 51A में। तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और आर्टिकल 51A में इसको रखा गया है। हमने कौन से देश से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं? तो जी हमने ली हैं USSR से, यानी कि रसिया से। ठीक है, तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया है भारतीय संविधान में? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी की रेकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब हैं हमारी 11। पहले जे कितनी थी? पहले जे 10 हुआ करती थी, 10 हुआ करती थी, लेकिन जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको बाद में ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। इसमें क्या आता है? जो हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको लाजमी ज़रूरी शिक्षा देनी है, जो पेरेंट्स का कर्तव्य है या जो पालन पोषण करने वाले हैं बच्चों का, उनका कर्तव्य है। ठीक है, तो जो हमारी 11 है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इसमें क्या है? हमें भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, और नेशनल एंथम है, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या कहती है? फॉलो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल थे, उनका जो आइडिया था, मंतव्य था आज़ादी के लिए, उसको हमने फॉलो करना है। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, कि हमने भारत की आज़ादी और एकता को बनाए रखना है, देश के राज्य किसी को नहीं बताने। ठीक है, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या कहती है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो हमने अपने देश की रक्षा करनी है, जब भी हमको बुलाया जाए देश की सेवा के लिए, तो हमने तत्पर रहना है और सेवा के लिए जाना है जब हमें बुलाया जाए। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आता है? स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट वूमेन। हमें अपने आप में भाईचारा बनाए रखना है, पूरे भारतीय वासियों के लिए है, जे भाईचारा बनाए रखना है, और वूमेन की रिस्पेक्ट करनी है, जो औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी रीति रिवाज हैं जो औरतों के विरुद्ध हैं, उनको हमने ख़त्म करना है। सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या कहती है? प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर। जो हमारा भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, उसको हमने बचाना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये आता है हमारी 6th फंडामेंटल ड्यूटी में। 7th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? प्रिजर्व नेशनल एनवायरनमेंट। नेशनल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी हमने रक्षा करनी है, उसको बचाए रखना है। 8th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? डेवलप साइंटिफिक टेंपर। हमें अपने आप में साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना है। और 9th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने संभालना है, जैसे ताजमहल भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आता है, तो ऐसी चीज़ों को हमने संभालना है, क्योंकि इसको सरकार को भी मुनाफा आता है और रोज़गार भी काफ़ी मिलता है इससे। ठीक है, और हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है? स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? जो सभी के लिए है, पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं या पालन पोषण करते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष की आजू के भी जो बच्चे हैं, उनका
भी उन्होंने उनका क्या मौलिक कर्तव्य है, इनको उन्होंने जरूरी लाजमी जो स्कूली शिक्षा है उसको जरूर दिलवानी है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में जरूर भेजना है। तो इसको बाद में शामिल किया गया था 86th Amendment Act 2002 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 11th Fundamental Duty को। तो डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।